देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में, क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है? और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में किस चीज में है अनिल कपूर बॉलीवुड के इकलौते हीरो? कौन सी है अनिल कपूर की अपकमिंग मूवीज? क्या फिल्म की कहानी को कंटिन्यू करेगा सीक्वल? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का टाइटल होने वाला है अनिल बने ट्रेंडसेटर। सो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे हो तो नथू राम जैसी वरना ना हो, बीग टाउन के बिग बी के मुंह से तो आपने ये लाइंस कई बार सुनी होगी, पर क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा है जिन पर ये लाइन सूट करती हो? सोचिए सोचिए, नहीं समझे? ये लाइन सूट करती है बॉलीवुड के झक्कास हीरो अनिल कपूर पर। बॉलीवुड में अनिल कपूर अगर अपनी एक्टिंग के बाद किसी चीज के लिए फेमस है तो वो है दो चीजें, जिनमें से पहली है उनका एवरग्रीन यंग लुक और दूसरा उनकी मूछे। अनिल कपूर उम्र के इस पड़ाव में भी काफी ज्यादा एक्टिव और फिट नजर आते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र अक्सर हर जगह किया है कि वो फिट रहने के लिए काफी वर्कआउट करते हैं। 90s में जहां एक तरफ बी टाउन में क्लीन शेव का ट्रेंड था और वही एक असली हीरो की पहचान थी, वहीं दूसरी तरफ अनिल कपूर ने अपनी रौबदार मूछों के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी। दोस्तों, अनिल कपूर वो एक्टर रहे हैं जिनकी मूछों का ट्रेंड यूथ पर दीवानगी की तरह सवार हो गया था, और ये ट्रेंड इतना बढ़ गया था कि हर सलून में अनिल कट मूछे फेमस हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई अनिल कपूर अपने इतने लंबे करियर में किसी भी फिल्म में मूछों के बिना नजर आए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक फिल्म है जिसमें हम अनिल कपूर को बिना मूछों के देख सकते हैं, वो फिल्म थी लम्हे। और ये फिल्म सिर्फ दो चीजों के लिए याद आती है, एक अनिल कपूर का बिना मूछों वाला लुक और दूसरा श्रीदेवी का रेगिस्तान वाला डांस। हालांकि अब भी अनिल कपूर मूछे रखते हैं, पर अब बॉलीवुड का ट्रेंड बदल चुका है। आजकल ट्रिम्ड बियर्ड लुक ज्यादा चलता है, और कई एक्टर्स चाहे शाहरुख खान हो या सलमान अपनी फिल्मों में ट्रिम बियर्ड के साथ ही नजर आते हैं। अब बी टाउन के झक्कास हीरो अनिल कपूर एक बार फिर साल 1992 में आई फिल्म बेटा के सीक्वल के लिए चर्चा में है। हाल ही में उनकी रिलीज हुई फिल्म जुग जुग जियो सुपरहिट साबित हुई है, तो वहीं अनिल अब अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हैं। साल 2022 से लेकर साल 2023 तक हमें अनिल कपूर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते रहेंगे। सबसे पहले आएगी करण जौहर डायरेक्टेड हिस्टोरिकल बेस्ड फिल्म तख्त। ये फिल्म अगस्त 2022 में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अनिल कपूर के अलावा रणवीर सिंह और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। अगले नंबर पर है अनीस बाजमी की फिल्म सादे सारी। ये फिल्म दिसंबर 2022 तक सिनेमा हॉल्स में नजर आएगी। इसमें अनिल कपूर के साथ सिंघम भैया यानी कि अजय देवगन भी शामिल हैं। अगस्त 2023 में अनिल कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। इस फिल्म में अनिल कपूर के अलावा रणवीर कपूर, साउथ फेम रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल नजर आएंगे। दोस्तों, सोर्सेस की माने तो अनिल कपूर इन फिल्मों को खत्म करने के बाद फिल्म बेटा के सीक्वल पर काम करने में लग जाएंगे। अभी तक फिल्म की कहानी कैसी होगी इस बात को मेकर्स ने राज ही रखा है, पर सोर्सेस की माने तो फिल्म को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां से वो खत्म हुई थी। इसका मतलब ये कि फिल्म बेटा 2 की स्टोरी को इस साल 1992 में आई इसकी प्रीक्वल के साथ ही कंटिन्यू किया जाएगा। फिल्म में एक लीक दिखाते हुए टाइगर श्रॉफ को अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के बेटे के रोल में दिखाया जाएगा। क्या प्रीक्वल जितनी मजेदार साबित होगी सीक्वल की कहानी? क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे हैं इस बार मेकर्स ने? आपकी इस बात को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, जाते जाते एक मेरा छोटा सा काम करके जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और हाँ, बॉलीग्राड स्टूडियोज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए।